आज हम देखने वाले हैं टेंस, उसके सब टाइप्स और उनके स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। हालांकि स्ट्रक्चर या फॉर्मूला अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो रेगुलर रीडिंग करते हैं उन्हें निश्चित तौर पर यह सब बातें आसानी से समझ में आती हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के साथ, या उसके जो सब टाइप्स हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब को आपस में जब हम कंपेयर करते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस समय ये फॉर्मूला या स्ट्रक्चर देखने के बाद आसानी से हमको समझ में आ सकता है। तो ऐसे चार्ट्स जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा अभी थोड़ी देर में, वो चार्ट आपको अपने पास भी उतार लेना है और उसकी भी हमको स्टडी करना है, या हो सके तो ऐसा ही चार्ट हम अपनी जो स्टडी रूम होती है वहाँ पर लगा कर रखेंगे, ताकि आसानी से हमको वह सब चीज़ें बार बार आंखों के सामने आएगी और हम समझ पाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, या फार्मूले के तौर पर भी हम इसको जान सकते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम सिंपल की बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला कैसा होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वी वन, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको एस या ई एस दिखाया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आर, आर का मतलब यहाँ पर हमने लिया है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वही पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और फ्यूचर टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल प्लस वी वन का फॉर्म ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वही कंटिन्यूस के फॉर्म्स की हम बात करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्म उसमें सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस वी वन आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस में हम देखेंगे उसका फॉर्मूला, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज एवेयर प्लस वी वन आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वही हम फ्यूचर कंटिन्यूस में यदि देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हमको सब्जेक्ट प्लस विल शॉल, इसमें से कोई एक आएगा, प्लस बी और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वी थ्री का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वही पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हो रहा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला हो रहा है सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल प्लस हैव प्लस डन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो रहा है यहां पर, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर हो रहा है वह इस प्रकार से होता है सब्जेक्ट प्लस विल शॉल, इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को आपस में कंपेरिजन करते समय बहुत इसकी आवश्यकता होती है, या अन्य समय पर भी हम जब टेंस पढ़ते हैं उस समय, हर एक टेंस जब इंडिविजुअल में पढ़ते हैं उस समय टेंस का जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला है वो भी हम अपने ध्यान में रखेंगे, ताकि सेंटेंसेस क्रिएट करते समय हमको आसानी से हो सके, या फिर इसका प्रयोग या उपयोग और अन्य जगह पर हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि हम जितने भी सेंटेंस अभी देख रहे हैं या जो हमारा फॉर्मूला जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना है, वो सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बना हुआ है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का बना हुआ है। इन्हीं सभी सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय कौन सा बदलाव होता है, इन्हीं सभी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म्स यानी क्वेश्चन के फॉर्म्स में यदि हमको बदलना है तो किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, यह सब फॉर्मूला स्ट्रक्चर से हमको आसानी से समझ में आता है। इसीलिए यह चार्ट हमें उतार लेना चाहिए और इसकी स्टडी करना चाहिए।